गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो बीटा डिग्री से रिलेटेड है, कंपेरेटिव हाफ लाइफ और मिरर एंड मिरर और सुपर एलॉय ट्रांजिशन, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। मैं इस पे आऊँ उससे पहले जस्ट मैं जल्दी से रिकनेक्ट कर देता हूँ कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या कहा। हमने बेसिकली जो पिछला लेक्चर था उसमें फर्मी ट्रांजिशन और गैमोटेलर, ठीक है ना, जिसको जीटी ट्रांजिशन कहते हैं या इंटरेक्शन कहते हैं, है ना, इसके बारे में हमने देखा कि जो प्योर फर्मी होता है उसमें क्या होता है, डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो एंड नो, डेल्टा आई के साथ में आई आई इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू जीरो, ये प्योर फर्मी है। इसी तरीके से डेल्टा आई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड नो हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, प्योर जीटी। और अगर मैं कह दूं डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो एंड नो और आई आई इज इक्वल टू आई एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कहलाता है मिक्स। ये ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल इन द फॉर्म ऑफ फिगर आ जाएगा। मैं अभी इस टॉपिक के बाद में आपको कुछ न्यूमेरिकल लूंगा क्योंकि उस टॉपिक के अंदर कंपेरेटिव हाफ लाइफ का भी यूज आएगा न्यूमेरिकल में, उसको देख लेंगे, तो इसलिए मैं जो न्यूमेरिकल है कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपके बाद में शेयर करूँगा और अपन साथ में करूँगा, उसको पढ़ने से मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अपना जो फर्मी जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है उस वहीं से हम शुरुआत करते हैं और उसी में आगे चलते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो हैमिल्टोनियन था, मैट्रिक्स एलिमेंट था, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या थी, तो वो मैं जस्ट एक बार मैट्रिक्स एलिमेंट H डैश F I इक्वल टू था M, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, M की वैल्यू थी उसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर हमारे पास वैल्यू था, ठीक है। और ये जो M था इसमें दोनों ही इंटरेक्शन है, ये सम ऑफ कितना है, फर्मी इंटरेक्शन है और जीटी इंटरेक्शन, ध्यान रखना कि M इक्वल फर्मी एंड जीटी का वो, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना, ये सारा का सारा। और ये वैल्यू हम अगर फॉर्मूले के अंदर रखें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ जिसकी भी बात करें, एक बार अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी ई एन ई प्लस डेल्टा ई अगर निकालना चाहें तो वो आती है, हम जानते हैं कितनी होती है, पहले फॉर्मूला कर चुके हैं, एंड मैं एप्सिलॉन ले रहा हूं क्योंकि हमने एप्सिलॉन को डी एप्सिलॉन ये बराबर होती थी प्लस ई डी स्क्वायर एम का स्क्वायर एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन एप्सिलॉन जीरो माइनस एप्सिलॉन और ये अपने पास F अपने टर्म थी वो है ठीक है, ये साथ में ये हमने बेसिकली, तो ये थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी एप्सिलॉन है एप्सिलॉन प्लस डी। अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं क्या करूं, एस ट्वेंटी के टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, अगर मैं सी उसको लैम्डा कहता हूं लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहां से आता जीरो से लेकर और क्या करूं एन एप्सिलॉन ये बने इंटीग्रेट। और मान लेते हैं कि कुछ सिंपलीफाई ये इक्वेशन इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये मान लेते हैं एक नंबर है इस इक्वेशन में
दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के और सॉल्व करने के, और सॉल्व करने के बाद में मान लेते हैं कि वैल्यू आ रही है n का एक, और एक नया टर्म डाला f, और ये फंक्शन ये इक्वेशन पर क्या तीन, यहां f जीरो किसके बराबर होगा, ये अब अपने को काम आएगा, वो सारा इसी से चलेगा। यहां f जीरो अपने इंटीग्रेशन जीरो से एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन अंडर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन एप्सिलॉन जीरो माइनस एप्सिलॉन इक्वेशन यहां पे इक्वेशन तीन तो f की वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये जो अपने पास इक्वेशन नंबर 30 आ रही है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी की बात है, तो लैम्डा के टोटल प्रोबेबिलिटी, फ्रॉम एनर्जी जीरो टू एप्सिलॉन जीरो और जीरो टू, अब हम हमारे इस टाइटल के ऊपर कंपैरेटिव भाग, तो ये सारा का सारा हम इस इक्वेशन से आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर थ्री से मैं थ्री नंबर से आगे करता हूँ, तो इक्वेशन थ्री में हम एक नए पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वी डिफाइन ए न्यू पैरामीटर टी, हम इसको कह रहे हैं हाफ लाइफ कह रहे हैं, ठीक है। हाफ लाइफ कंपैरेटिव अभी नहीं शब्द में लगा था, अभी मैं इसको हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, ठीक है ना। अगर मैं डिफाइन करूं, है ना, और इस तरीके से डिफाइन करूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी, ये इक्वेशन में पांच। देखिए साइंटिस्ट लोग जो हैं वो पुरानी जो चीजें हैं उनको काम में लेते हैं, नई नई चीजों को और डिस्कवर कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, वहां जब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा होता है वो होता था लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी, हां वहां जो रेडियो एक्टिविटी है उसी से रिलेटेड एग्जैक्टली यहां पे काम है, और पैरामीटर भी उसी हिसाब से बने हैं। थोड़ा सा अलग करने के लिए कैपिटल टी की जगह यहां पे क्या रख दिया, स्मॉल टी, ये छोटा सा, ठीक है। देखो टी हाफ कितना हो जाए 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या करते हैं, लैम्डा की जगह लिखते हैं 0.693 क्या करते हैं टी जी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये बेसिकली इक्वेशन आता है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थ्री, तीन को यूज करके ये लिखा। अब मैं इस f को यहां से मैं ले लूं f जीरो जीरो, ये कितना 0.693 अपॉन g, इस इक्वेशन में 0.693 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो मैं इसको एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं, ए कॉन्स्टेंट को देते हैं के बी बी अपॉन एम, ये इक्वेशन नंबर आ गई छह। यहाँ बी बराबर कितना, बी इज इक्वल टू सी जी, तो ये जो इक्वेशन छह है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन सिक्स आई है इसको कंबाइंड रूप से कहते हैं कंपैरेटिव भाग, कंपैरेटिव ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये इसकी क्या होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए बी फंक्शन क्लियर है कि बी फंक्शन इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ना एम, ये बेसिकली अपने पास ओवरलैपिंग के बारे में, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ओवरलैपिंग के बारे में हम जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। और वो कब होगी, जब अपना जो वेव फंक्शन है वो चेंज नहीं, ठीक है ना, इनिशियल वेव फंक्शन और फाइनल वेव फंक्शन दोनों के एग्जैक्टली सेम। तो जिसके लिए किसी भी अगर हम बीटा डी के अंदर एफ टी की वैल्यू अगर ये ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब एम कम है, अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब एम डैश ज्यादा है। तो बेसिकली कंपैरेटिव हाफ लाइफ के अंदर वो हमें ओवरलैपिंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना, बहुत क्लियर है। मैं एफ टी हाफ कह रहा हूं इज लेस व्हेन एम इज नॉट एंड वाइस वर्सा, ये अपने को सबसे तो हमें अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड में भी सुपर अलाउड नहीं पता, सुपर अलाउड जितना होगा उसका क्या होगा, एफ टी हाफ बहुत कम होगा, सबसे मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू होगी इसके भी सुपर अलाउड, ठीक है ना। और सुपर अलाउड और जिसको मिरर मिरर भी कहते हैं ट्रांजिशन, एम स्क्वायर इज क्लोज टू 1, हाँ, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम, ठीक है ना, देन एफ टी हाफ विल बी मिनिमम। ये बहुत छोटा था और बहुत इंपॉर्टेंट, हमें एक डिस्कशन इससे ये आप काम कर लेंगे। अब अपन आते हैं कि एग्जांपल के साथ में स्टडी करते हैं कि किस केस में सुपर अलाउड ट्रांजिशन, वो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल के साथ में सभी बताता हूँ। और सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको एग्जांपल के साथ में लेकर तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बीटा डीके इन विच फ्लोरीन इज डीकेइंग अ पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, एक पॉजिट्रॉन को क्या करेगी, डीके करेगी। तो फ्लोरीन का एग्जांपल है फ्लोरीन 9 ऑक्सीजन 8 प्लस। इस पर्टिकुलर केस में प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू, अब मैं बकायदा फंक्शन बताता हूं, हम मान लेते हैं कि दैट रिप्रेजेंट प्रोटॉन विद स्पिन एंड रिप्रेजेंट प्रोटॉन विद स्पिन डाउन, और साथ में करते हैं एक छोटा सा और पैरामीटर बना देते हैं, ये करते हैं रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन विद स्पिन अप एंड रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन विद स्पिन। तो हम डिफरेंट एनर्जी लेवल इनिशियल स्टेट की बताते हैं, फाइनल स्टेट की बताते हैं, ये बहुत बहुत काम। तो मैं इनिशियल स्टेट की बता रहा हूं, तो हम एक बॉक्स ले लेते हैं,
और मान लेते हैं कि मैं क्योंकि 9 है, एक इलेवन में दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन आएगी, तो वो मैटर सारे यहाँ एक एक ग्राउंड एक बकायदा 9 को अपन सारा को बताना है जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो, सारी सिचुएशन क्लियर हो। और मैं बकायदा 9 क्लियर कर रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ये प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ये फ्लोरीन का है 9। अब नौ नौ तो इसमें 9 तो प्रोटॉन हो गए और ये अब इनका मैं नॉर्मल मान लो, ये प्रोटॉन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब मेरे पास जो डिफरेंट किए प्रोटॉन होते हैं, जो कि कौन सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो मान लेते हैं ये वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। अगर ये वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या सिचुएशन हो जाएगी वो मैं आपको मतलब मैं दो सिचुएशन इसकी स्पेशली देखिए बताऊं, सर ने वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हेलो, यहाँ पर वही मैं 5 एनर्जी लेवल बताऊं, 1 2 3 4 ये 5 है। मान लेते हैं कि 9 नंबर वाला प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, ये यहाँ पे वैकेंसी को मैं आपको बता दूं और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। बाकी के जो मेरे पास प्रोटोन है वो एज इट इज पड़े, और यहां पे सारे सारे न्यूट्रॉन पड़े। एक चीज फिर आप पढ़ लीजिए, हर एक की ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो गया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन फीड्स है। अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें वेव फंक्शन, इनिशियल वेव फंक्शन और फाइनल वेव फंक्शन करीब करीब एक जैसा था ऑलमोस्ट। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर, पर्टिकुलर केस के अंदर जो मैट्रिक एम स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। अगर ये वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये वाला ट्रांजिशन क्या रहेगा, सुपर आएगा, जिसको हम कहते हैं मिरर ट्रांजिशन भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं जाता, मान लो ये 8 नंबर वाला कर लो तो सिचुएशन क्या होगी, तो अपने पास सिचुएशन ये यही का ही होता, ये वैकेंसी यहां पर क्रिएट, ये वाला यहां पर,
तो अगेन ये भी ऑक्सीजन 8 और 17 है, मगर इसमें वेव फंक्शन था, इनिशियल वेव फंक्शन और जो फाइनल वेव फंक्शन है इसका हम कंपेयर करें तो ये वैल्यू, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेव फंक्शन अलग अलग होते हैं, m स्क्वायर वेव भी क्या होगा लेस होगा। FPL मैक्सिमम ये तो ये भी अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर इसमें FTR की वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा होगी। ठीक, अब न्यूमेरिकल रूप में अगर देखें तो FT की जगह log FT ज्यादा काम में आता है, ठीक है ना, तो हम इसको log FT के रूप में ज्यादा आगे काम में लेंगे। प्रैक्टिकली जो FT की जगह log FT ज्यादा चलेगा, हम सारी की सारी वैल्यू को देखेंगे, इसको पढ़ने से ज्यादातर की वैल्यू न्यूमेरिकल डिजिट में जाती है, 2.2 से लेकर के आगे 20 तक आ जाती है, तो इसलिए हम ज्यादा अच्छे से काम करेंगे लॉग एफटी को देखेंगे। एफटी आप वही है केवल उसका लॉगरिथमिक दिया हुआ और उसको काम में, तो ये सारा का सारा जो काम है ये कंपैरेटिव हाफ लाइफ और मेन ट्रांजिशन ट्रांजिशन भी कहते हैं ये सब, उसके ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, और ये अपना इस तरीके से अलाउड जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, अलाउड ट्रांजिशन है, उसके बारे में करीब कोई सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशन करेंगे, और फॉरबिडन ट्रांजिशन करके तो मैंने आपको कहा कि कंपैरेटिव हाफ लाइफ का मैं यूज़ करते हुए और नए नए न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।